गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो पर। तो आज मैं जा रहा हूँ चौकम, आज बहुत सारे काम करने हैं। पहले बैंक जाऊंगा शायद, और जो फटे हुए पैसे हैं उन्हें चेंज करूंगा, और बहुत सारी चीजें लेनी है। अबे यार, ये रास्ते को ब्लॉक करके रखा है। हटो यार, हट हट हट, जाओ अबे, निकलना जा। अबे शायद दे मेरे को, शायद निकल, हटो हटो, जाओ यार, जा जा जा। वाह वाह, अटैक करने वाला था ये गाइस, ओ माय गॉड, वाह गाइस, अटैक करने वाला था वो मुझे। जैसे तैसे निकल के आया हूँ उससे नीचे उतार कर। तो गाइस, अभी दीदी के घर पहुंचा हूँ, और अभी हम लोग जाएंगे बैंक में, और मेरी भांजी प्रतिभा तो उसके साथ अभी जाएंगे। चलो सीधा बैंक जाएंगे गाइस, बहुत देर हो चुका है। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चौकम, और बेसिकली मैं मास्क लाना भूल गया था यार। इतने इम्पोर्टेंट चीज कैसे भूल सकता हूँ, मैं बैंक आ रहा हूँ तो मास्क भूल गया। अभी मास्क खरीदने आए हैं, अभी चलते हैं सीधा बैंक के पास। पहुंच गए हैं बैंक, यहाँ पे एटीएम है, बहुत धूप है गाइस, अभी अंदर चलते। ला मेरा मास्क ही खत्म, लिटरली गाइस अभी मास्क खरीदा था, वही धूप की आई है, जुगाड़ करके लगाया हूँ। अभी बैंक के अंदर चलते हैं। तो बैंक में जो काम करने आया था वो तो हो गया, लेकिन दो काम करने आया था, एक हुआ है दूसरा नहीं हुआ है। दूसरा ये था कि मुझे जो है फटे हुए नोट एक्सचेंज करने थे, वो नहीं हो पाया। 13 तारीख को हो पाएगा बोल रही है मैडम आने के बाद, उतना देर तक रुकना नहीं पड़ा। तो अंदर का नज़ारा मैं दिखाना चाहता था, लेकिन कुछ बैंक के भी अपने रूल्स होते हैं, उसके लिए नहीं दिखा पाया। चलो अभी हम लोग जाएंगे गुना नगर की तरफ, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। यहाँ रखा अपना स्कूटी, ये तो गाइस ये है अपना पुराना स्कूल। देखो यहाँ पे मैं 5 साल बिताया, क्लास 6 से लेकर 10 तक यहीं पे पढ़ाई की, चाउनंदा मेमोरियल स्कूल। और मेरा एक दोस्त है मधुकर मिश्रा, यहीं पे पढ़ा करते थे। वो बार बार कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं कि अपना स्कूल दिखाओ दिखाओ, तो आज मैं दिखाने वाला हूँ। पहले परमिशन मांगूंगा, अगर देते हैं तो दिखा पाऊंगा दोस्त, अगर नहीं देते हैं तो बाहर से ही आप नज़ारा देख लेना। तो गाइस अभी मैं स्कूल के अंदर में हूँ, और अपना स्कूल में आके बहुत मजा आ रहा है, अलग सा फील आ रहा है। ये रहे अपने टीचर, ही हमें हिंदी पढ़ाया करते थे सर, हमें बहुत कुछ सिखाए हमें। सर वो मधुकर जो है ना सर, बार बार कहता है कि स्कूल पे जाके वीडियो बनाओ बनाओ, कमेंट करता है। मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ ना सर, डालता हूँ जी, ऐसे घूमता फिरता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ जी। तो मधुकर वहाँ पे कमेंट करते रहते हैं अपना स्कूल को दिखाओ दिखाओ बोल के, इसलिए आए। अभी वो गोरखपुर में है सर, हम लोग 6th में मिले थे, जब हम 6th में थे। थोड़ा सा स्कूल का वीडियो बनाऊंगा सर जी, सर जी जी। गाइस कितनी यादें जुड़ी है यहाँ पर, यहाँ पे कैंटीन पे हम लोग खाया करते थे। ये राजू भैया कैसा है भैया, ठीक है? यहाँ पे कैंटीन पे देखो हम लोग खाया करते थे। थोड़ा सा कैंटीन में जाके देखते हैं, और इस दुकान से पहले दुकान पे जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग कितनी चीज़ें खरीदा करते थे। दीदी नहीं है क्या, दीदी रहा करती थी यहाँ पे। और ये रहा अपना कैंटीन, अभी बंद पड़ा है लॉकडाउन में, तो थोड़ा सा हालत ख़राब है, कोई बात नहीं, यहाँ पे बैठ के हम लोग खाया करते थे गाइस। चलो भाई अभी इधर देखते हैं स्कूल। तो मधुकर जी यहीं पे रहा करते थे, ये रहा दीदी, कैसे हो दीदी, ठीक है? अच्छा, अभी हम लोग बैंक घूमने आया था, तो सोचा स्कूल को थोड़ा सा घूम लेगा बोल के। मधुकर जी देखिए, ये रहा आपका कमरा, यहीं पे था ना आपका कमरा। ये रहा गर्ल्स हॉस्टल, अभी बच्चे भी हैं हॉस्टल वाले शायद। ये देखो अपना स्कूल, मैं जब शुरू में आया था पहली बार, तो उस वाले ऊपर वाले रूम पे था मैं, क्लास 6 में एडमिशन लेने आया था मैं। और ग्रीन हाउस, वहाँ पे ग्रीन हाउस रहा, अरे यहाँ तो रास्ता भी बन गया। वहाँ पे किचन है, वहाँ पे जो डाइनिंग हॉल किचन वगैरह, वहाँ पे हॉस्टल में जो भी रहते वो खाया करते थे। ये रहा बॉयज़ हॉस्टल ऊपर में, और 9 और 10 हम लोग वहाँ पे कमरा था हमारा, उस साइड में जो है अपना बाथरूम वगैरह है। और हम लोग कभी कभी जो है चोरी छिपे वहाँ बंगलों पर जाया करते थे, मालिक जो है उनके बंगलों पर, और वहाँ जाकर जो है हम लोग
फल वगैरह फ्रूट वगैरह चोरी करके खाया करते थे, बहुत मजा आता था गाइस। तो यहाँ पे जो है ये नए टीचर आए हैं सर, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। अभी यहीं पे थे हमारा कमरा, ये टीचर स्टाफ लोग का ये कमरा था, और इधर रहा गाइस, ये रहा अपना कमरा क्लास 10 वाला। रे अभी रिपेयरिंग चल रही है क्या? रिपेयरिंग चल रहा है क्या भैया? रिपेयरिंग चल रहा है। देखो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड था अपना, हम लोग यहाँ पे फोटो भी खिंचाए थे। वाह, यहाँ पे फर्स्ट बेंच में था मैं कभी कभार लास्ट में भी बैठता करता था। यहाँ से नजारा, पीछे में भी बिल्डिंग बन रहा है यार। वाओ, चलो। अरे ये कौन सा यार का प्रोजेक्ट वर्क है, हम भी तांगा करते थे ऐसे। सम्मिटेड बाय रिंजिम मिस। ओ ये 21 का है, सब पुराना वाला हाथा के नया वाला लगा देते हैं। ये था अपना कंप्यूटर रूम, यहाँ पे हम लोग स्टार वार देखा करते थे जब क्लास करने आते थे कंप्यूटर की, तो हम लोग स्टार वार देखा करते थे यहाँ पे आलोक सर के साथ। ओह गाइस, माइंड रिफ्रेश हो गया अपना पुराना स्कूल में आके, मजा आ रहा है। इतनी तपती धूप में भी यहाँ पे कितनी ठंडी हवाएं आ रही है। यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे असेंबली किया करते थे पहले, उसके बाद वहाँ पे ऑडिटोरियम बनाया गया, वहाँ पे बाद में करने लगे। मतलब बारिश होता था ना गाइस, ये पूरा पानी हो जाता था, तो हम लोग जो है चप्पल पहन के स्कूल आने का बहाना बनाया करते थे कि बारिश हो रहा है, क्योंकि चप्पल पहन के स्कूल आने का मजा ही कुछ और था। गर्ल्स हॉस्टल, ये वाला था गर्ल्स हॉस्टल। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर अपना पहला कमरा, जहाँ पे मैं एडमिशन लेकर आया था क्लास 6 में, वहाँ पे जाऊँगा मैं अपने कमरे पर। चलो चलो, सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। यहाँ पे हम लोग स्लीप होके से आया करते थे यहाँ पर। यहाँ था अपना कमरा गाइस, यहाँ पे पहली बार में। अरे ये आप 7 हो गया, ये 6 था पहले। यहाँ पे क्लासेस चल रही है, तो यहाँ पे जो है मैं पहली बार आया था अपना एडमिशन लेके। यहाँ से ऊपर से नजारा कुछ ऐसा है, यहाँ पे प्रिंसिपल का ऑफिस है। अरे ये देखो कितना बड़ा हो गया ये पाइन ट्री, देखो यहाँ तक था जब मैं था, कुछ इसका जो हाइट था यहीं तक था, अभी देखो कहाँ आसमान को छू रहा है ये। और ये जो है ना ये लगभग इतना था, मैं इसे देखता था जब 6 में एडमिशन लेने आया था। अब देखो कहाँ से क्या हो गए। चलो अब चलते हैं। ये पेड़ भी कितना बड़ा हो गया देखो, वाह इतना खूबसूरत है, देखो छाया भी देता है ये, मजा है। चलो अभी रिपेयरिंग चल रही है, लॉकडाउन में जो है छुट्टी चल रहा है, तो स्कूल की रिपेयरिंग होगी तो और अच्छा होगा। चलो अब हेलो भाई, चलो अभी जाएंगे, बहुत घूम लिया अपना स्कूल। अभी बहुत सारे नए नए चेहरे देखने को मिले मुझे, टीचर यहाँ पे बहुत सारे चेंज हो गए, तो मैथ का टीचर था वो भी चेंज हो गया, काफ़ी सारे टीचर जो है चेंज हो गए हैं, तो हर क्लासेस में लगभग ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, स्टूडेंट नहीं आते हैं लेकिन टीचर आते हैं और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। अपने पुराने टीचर से मिल के बहुत मज़ा आ रहा है, दिल को सुकून मिला गाइस। तो मधुकर जी भी अभी खुश, तो मिश्रा सर से मिला, मेरा पुराना वाला सिर्फ 2 टीचर मिले मुझे पढ़ाने वाले, एक था मिश्रा सर जो हिंदी पढ़ाया करते थे, और एक था सरकार सर जिन्होंने जो है हमें
कौन सा पढ़ाया था, सोशल स्टडी, ओ नहीं साइंस पढ़ाया था, सॉरी यार मैं कितना भूल कर, लगभग 10 साल हो गए यार ये इस बात को, तो भूलना तो जाहिर सी बात है। अभी चलते हैं, हम छाया पे रखे थे अपना स्कूटी। वाह, अब यहाँ पे रुके हैं चौकम फिर से भैया के दुकान पर, यहाँ पे बुक स्टोर। हम लोग यहाँ पे भी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी है, देखो यहाँ से हम लोग किताबें खरीदा करते थे, कॉपी प्रोजेक्ट होने पर A4 साइज खरीदा करते थे भैया के यहाँ से। तो आज जो है मंजिता के लिए यहाँ से पेम्पर्स लेके जा रहा हूँ, बड़ा वाला पैकेट पेम्पर्स या मेमी पोको पेन पता नहीं कौन सा वाला, जो भी है भैया ला रहे हैं। मेमी पोको पेन्स, ये रहा मेमी पोको पेन्स M साइज 36 पीस 500। हाँ हो जाएगा इससे भैया, ये 5 स्टार चॉकलेट और है क्या? है ना, मिल जाएगा। वो होने से आप मुझे 4 तो दीजिए ना। तो ही है बताए इतुन स्नीकर्स और स्नीकर्स 2 तो दीजिए। अरे 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 गिर गया, दो तो दीजिए। तो राइड करते हुए हम ब्लॉगिंग नहीं कर रहे, जहाँ पे रुकते वहीं से स्टार्ट कर रहे। तो अभी पहुंचे हैं होटल, एक्चुअली रेस्टोरेंट, यहाँ पे जो है हम लोग ऑर्डर किया है 2 प्लेट तुप्पा। तो और जेरी के लिए लेके जाऊंगा, क्या कहते हैं, मोमोज लेके जाऊंगा, उनका फेवरेट है। तो गाइस ये देखिए अपना ऑर्डर आ गया है, ये है तुप्पा, नॉर्थ ईस्ट में बहुत फेमस है ये, पॉट के साथ। तुप्पा खा के हो गए है कंप्लीट, देखो मैंने इतना छोड़ा है, भांजी ने कितना सूप छोड़ा है, देखो अभी अपने YouTube शॉर्ट पे वीडियो ट्राई कर रही है, यहाँ पे मैंने गिराया है, देखो क्या कर दिया, पूरा झमेला पानी लिया। अभी फिर से मैंने जो है एक वो क्या कहते हैं चाउमीन पैक करने के लिए बोला है जेरी के लिए, चाउमीन लेके जाऊंगा, मोमोज बहुत हो गए हैं यार, कितने लेके जाऊंगा मोमोज। चलो थैंक यू भैया, चलते हैं अब। वाओ इतना धूप है गाइस। गाइस अभी आए हैं सुपरमार्केट, आर्मी जो कैंटीन है उसके बिल्कुल सामने यहाँ पे। तो यहाँ से मैं एक जियो सिम निकालूंगा आज, क्योंकि एयरटेल में जो है कभी कभार प्रॉब्लम होता है, तो जियो में, अगर जियो में प्रॉब्लम होता है तो एयरटेल में हो सही है। जियो सिम ले लिया है, घंटों 2 घंटों में जो एक्टिवेट हो जाएगा, आज से अपना भाई जियो जियो भी यूज करेगा एयरटेल के साथ साथ। अरे कहाँ पीछे जा रहा हूँ मैं, हाँ देखिए गाइस गांव में कद्दू ही कद्दू हर जगह, देखो वहाँ देखो इतना बड़ा ट्रक आया है कद्दू उठाने, कोई पूछने वाला भी नहीं, यहाँ पे 5 रुपये किलो है, 3 रुपया तीन दिन आयो ना, अरे 3 रुपया हो गया, देखो भाई 5 रुपया था पहले, अभी तो 3 रुपया हो गया। वाओ गाइस फाइनली पहुंच गया हूँ गांव, मैं और भाभी जी जा रहे हैं घर की तरफ, मैं आगे आगे भाभी जी पीछे पीछे, गांव के रास्ते ऐसे ही है गाइस, जंगल जंगल। ये देखो गाइस गांव के रास्ते, हर तरफ हरियाली ही हरियाली, छोटा सा रास्ता बीच में। वाओ गाइस तपती धूप पे चल रहा हूँ, भाभी जी गई अपने घर, यहाँ मैं जा रहा हूँ ये हागिस का पैकेट लेके, मैं एक्चुअली मेमी पोको पैंट और बैग में पीछे कोई सामान है, काफी थक गया हूँ, तो मुझे लगता है आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। टिल देन बाय बाय।